नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सरगर्मी देखने को मिल रही है और महाभारत एक्सप्रेस की मेरे साथ आप यात्रा देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम रहा हूं हजारों किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर याद करिए साल 2019 का चुनाव, तब देश के 92% मुस्लिमों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था और इनमें से 73% मुस्लिम तब एसपी और बीएसपी के साथ गए थे, यानी अखिलेश यादव और मायावती के साथ। इस बार दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं और हालत तो यह है कि आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। और यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, वो पल्लवी पटेल के साथ ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम, बीजेपी कह रही है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक में हमने सेंधमारी कर दी है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या सोचते हैं भाईजान, हम उनके करीब पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम गई। रामपुर से हम आपको दिखाते हैं श्रीनिवास की एक खास रिपोर्ट। तीन तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था, आज तीन तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। 15% इस बार 15% वोट मुसलमानों का हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, निश्चित लोकसभा में मिलेगा। अखिलेश यादव जो है 2014 का लोकसभा चुनाव हारते हैं, 17 का विधानसभा का चुनाव हारते हैं, 19 का लोकसभा हारते हैं, 22 का विधानसभा चुनाव हारते हैं। भाई आप चार चार चुनाव हार रहे हैं और कभी आपको आईने में अपनी सूरत नहीं दिखाई देती। आपको दिखता है चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का और आप यूज कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के करीब 20% वोट बैंक को लेकर ये सर्वदलीय धावा है। यूपी की 80 सीटों पर जबरदस्त जंग के बीच एक मुश्त मुसलमान वोट बैंक के साथ होने का यकीन है। अखिलेश, मायावती, ओवैसी से लेकर बीजेपी तक हर किसी का धावा मुसलमानों पर है। ऐसे में सवाल है कि इस बार उत्तर प्रदेश के भाईजान क्या करेंगे, क्या पीडीए या फिर पीडीएम में एक को चुनेंगे या फिर मायावती या बीजेपी को समर्थन देंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मायावती की पार्टी ने अब तक 29 में से 9 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस के 13 में से 2 और समाजवादी पार्टी के 47 में से 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। बीजेपी के 63 में से एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं। लेकिन मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान यूपी के सियासी आसमान में जीत की पतंग उड़ाने का दावा कर रहे हैं। जो पीडीएम बनाया गया है उसमें एक विकल्प हो, क्योंकि हालत मजबूरी में आप या तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है, दोनों में से किसी को वोट दें आप, तो एक विकल्प होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बल्कि यहाँ की जनता को इससे फायदा होगा। 2019 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा एसपी बीएसपी गठबंधन पर भरोसा किया था, तब करीब 73% वोट इन दोनों पार्टियों को मिला था। लेकिन इस बार मायावती और अखिलेश यादव दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में। आजम खान के समर्थक कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने रामपुर से नहीं उतारा। मुरादाबाद में भी अखिलेश यादव ने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। रामपुर में तो दिल्ली के मौलाना को ले जाकर टिकट दिया है। ऐसे में यूपी के मुसलमानों का मूड क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले रामपुर पहुंची। गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम ये है कि सबको सुनाना पड़ता है। जी हाँ, सियासत में भी बस कुछ यूं ही होता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र में। जी हाँ, वही रामपुर जो कभी समाजवादियों का गढ़ होता था, लेकिन आज उसी रामपुर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के दो दो उम्मीदवार मैदान में आ गए। हालांकि एक उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, लेकिन अब ये देखना है कि क्या बटी हुई समाजवादी पार्टी
रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी या फिर नतीजे 2022 के उपचुनाव वाले होंगे। तो आइए चलिए चलते हैं रामपुर के मतदाताओं के पास और जानते हैं उनसे कि क्या है रामपुर का सियासी मिजाज। रामपुर का सियासी मिजाज जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले रजा लाइब्रेरी के पास पहुंची। ठीक हमारे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं इसे रजा लाइब्रेरी कहते हैं। हालांकि ये रामपुर की पहचान और कभी नवाबों की शान रही है, लेकिन इस वक्त मौका चुनाव का है और हम यहाँ पे लोगों के साथ मौजूद हैं ये समझने के लिए कि चुनावी मिजाज क्या है। चचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई लईक अहमद है। लईक अहमद साहब, हाँ, जौहरी साहब के नाम से मौजूद हूँ। चचा ये बताइए, आपने तो बड़े सारे वसंत देख लिए उम्र में, क्या लग रहा है माहौल यहाँ? यहाँ पर जो माहौल है वो यह है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और ऐसा है, ये जो 19 तारीख का इलेक्शन है बहुत बढ़िया करके होगा। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि खास करके मुसलमान तो नाराज़ हैं अखिलेश। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ना मुसलमान नाराज़ इससे मोदी से हैं और ना इनसे हैं। मोदी से भी नहीं नाराज़? नहीं नहीं, कोई नाराज़ नहीं है। ये एक परसेप्शन है कि भैया भारतीय जनता पार्टी वाले ना वो मुसलमानों का इतना साथ नहीं देते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मुसलमानों को भी साथ देते हैं वो और हिंदुओं के साथ में भी है, ऐसा कुछ नहीं है। साथ बराबर देते हैं वो। पहले मंदिर मस्जिद का मसला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अभी CAA का मसला ले आए। ना CAA का मसला लेकर आए हैं, वो सही है एक तरीके से। आपको पसंद आ रही है मोदी की ये तमाम नीतियाँ? पसंद आ रही हैं। असरूल भाई ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा बढ़िया किया, 3 तलाक अच्छा कर दिया, कह रहे हैं CAA भी ठीक है, NRC भी ठीक है, रामपुर में तमाम चीजें काम आए। मोदी जी का काम तो सारा ठीक ही है, लेकिन एक थोड़ा मंदिर मस्जिद वाला जो योगी जी का चल जाए वो थोड़ा अगर कम हो जाए तो अच्छा है। तो मंदिर वाला मामला तो अयोध्या वाला हो गया, अब नया ले आए मथुरा का, नई जगह का चल रहा है। अगर इस मसले को वो ना उठाएं ज्यादा ना, तो वो फिर मोदी जी की सरकार अच्छी है, कोई बुराई की बात नहीं है। किसानों के लिए अच्छी, हमारे खाते में खुद 6,000 रुपये आते हैं एक साल। ऐसा है, नाराजगी अगर हो गई तो बात दूसरी है, वरना नहीं तो एक भाजपा जो है वो कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। कैंडिडेट यहाँ पर कोई है नहीं ना रामपुर में, अब जो थे अखिलेश यादव उन्होंने मना कर दिया, वरना वो जीती भी थी यहाँ पर। दिल्ली से मौलाना आए हैं? अरे भाई दिल्ली से मौलाना नहीं, मैं कह रहा हूँ आसमान से मौलाना आए, उनकी कोई पकड़ थोड़ी है, उनको कोई जानता थोड़ी है। यहाँ चुनाव में ये मसला आएगा, बीच बीच में आएगा, ये मंदिर मस्जिद आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ जो घनश्याम सिंह लोधी है ये बहुत अच्छे आदमी, इनके अंदर कोई ऐसी बात है नहीं। टोटल मुद्दा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है, विकास का मुद्दा कहीं नहीं है। कहीं भाई आप विकास का मुद्दा नहीं सुनेंगे कि यहाँ पे इतना बेरोजगार है, इसको ये मिलना चाहिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम रहेगा। विकास का अगर हिसाब लगाया था जितना रामपुर में आजम खान ने विकास कराया, इतना तो किसी ने कराया नहीं कभी। तो आजम खान ने करा, वो सिर्फ विकास दिखाने के लिए करा, कारोबार किसी को नहीं दिया। उनके हाथ में इतनी पावर थी कि वो चाहते थे रामपुर जन्नत बन सकता था, इतनी फैक्ट्री खुलवा सकते थे आजम खान जी, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं है, सब ई रिक्शा आपको मिलेंगी टोटल। भाई मोदी जी राशन दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उजाला दे रहे हैं। आप पूछे क्या रहा? अरे यार ऐसे ना कर रहा है, दिल की बात पूरा रमजान का महीना नहीं, दिल की बात बोल रहे हैं, उसमें क्या है? अरे आजम साहब वो कहते हैं कि लोगों ने कि रामपुर को चमका दिया था। आजम खान ने तो घपला डाल दिया दोनों सीटों में, मुरादाबाद की सीट का भी उन्होंने घपला डाल दिया, रामपुर की सीट का भी घपला डाल दिया। बढ़िया है ना, एक पार्टी का दो दो उम्मीदवार, खेला हो गया ये तो, खेला हो गया पहले ही। मतलब ये है कि समाजवादी बैकफुट पे आ गई जब ये आपस में टकराव हो गया। यहाँ मौजूद बाकी लोगों के मन की बात जानने से पहले ये जान लीजिए कि रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 51% है। मुस्लिम 5 लाख के करीब हैं, हिंदुओं में लोधी सबसे ज्यादा 2.5 लाख हैं, सैनी 70,000, दलित 60,000 और कुर्मी 40,000। इसके अलावा अन्य जाति करीब 20,000 के आसपास हैं। रजा लाइब्रेरी चौक पर ही एक और शख्स मौजूद था, कैमरा जब उनकी ओर घूमा तो उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। सर ये बताइए रामपुर में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? देखिए रामपुर में भी वही चुनाव के मुद्दे हैं जो देश में चुनाव के मुद्दे हैं, विकास और बेरोजगारी और जो धर्मनिरपेक्षता है वो, इसके अलावा दूसरे मुद्दे कोई नहीं होता। ये धर्म कहीं ना कहीं निरपेक्ष हो सापेक्ष हो घूम के आ ही जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म ज़रूर आता है, क्योंकि जो पिछली जितनी भी सरकारें आई या जो सरकारें बने उन्होंने एक विशेष वर्ग को, कौन सा है वो विशेष वर्ग? मुस्लिम, जो मुस्लिम था उसको उन्होंने मुद्दा बनाया, तुष्टिकरण की राजनीति की। कांग्रेसियों या समाजवादियों वो वोट बैंक मांगते थे। पहली सरकार मोदी सरकार ऐसी आई जिसने मुसलमानों को इंसान माना, उनकी मूलभूत सुविधाएं और उनको मूलभूत योजनाएं कैसे पहुंचाई जाएं
इसके लिए प्रयास किया। विपक्ष जो भी कहे, मोदी का एक फैसला होता है और जब फैसला ले लिया उसी पे वो अडिंग रहते हैं और अटल रहते हैं। 15 लाख आए के, देखिए 15 लाख मेरे अकाउंट में तो आ गए। किधर से आए? 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से आ गए, 2.5 लाख रुपए सर पे छत से आ गए, और इतने दिन से जो अनाज हमें फ्री मिल रहा है वो सब 15 लाख रुपए की बदौलत। रजा लाइब्रेरी के पास लोगों के मन की बात जानने के बाद श्रीनिवास जैसे ही आगे बढ़े उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी। चप्पल की दुकान में नंगे पांव खड़े हो, चुनाव वनाव का मौसम चल रहा है। चुनाव का मौसम की तो यह है कि शहर से ही मालूम होगा, शहर वालों को नहीं, मैं तो देहात का रहने वाला हूँ। देहात वाले भी तो वोट? हाँ, वोट देहात वाले भी देंगे। देहात का ही तो माहौल पता चलता है, क्या माहौल है उधर देहात में? तो अजीम है, समाजवादी भी वोट जाएगा, समाजवादी भी। मुझे किसी ने कहा चाचा कि आजम खान साहब के चलते खास करके मुस्लिम वर्ग के लोग अखिलेश से नाराज़ हैं कि उन्होंने चाचा का साथ नहीं दिया। अब चाचा का साथ दिया नहीं दिया, मगर अखिलेश तो नाराज़ नहीं, ना तो आजम खान नाराज़ नहीं। कहा जा रहा है कि आजम खान साहब को अखिलेश ने साथ नहीं दिया, ऐसा मानना है लोगों का, ऐसा है क्या? ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अखिलेश चलेंगे? हाँ, अखिलेश जाएगा उधर ही हम जाएंगे, हमारा क्लियर है फंडा। रामपुर में पहले फेज में वोटिंग होनी है। यहां से बीजेपी ने अपने सिटिंग कैंडिडेट घनश्याम लोधी को फिर से उतारा है। समाजवादी पार्टी से मौलाना मोहिबुल्ला नदवी, मायावती की बीएसपी से जिशान खान चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर में 6 कैंडिडेट चुनावी मैदान में बच गए हैं, मगर असली लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटा को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अभी इस इलेक्शन में कौन चलेगा? इलेक्शन में सर ज़्यादातर संभावनाएं जो है नोटा को ज़्यादा है। नोटा को? अरे ऐसा ही है सर, कोई उम्मीदवार ऐसा दिखता नहीं है इस टाइम जो इलेक्शन में बेहतर हो। या घनश्याम लोधी तुम्हारे पीछे देखो, इन्होंने इतना बड़ा उद्घाटन कर दिया ना उद्घाटन? सर उद्घाटन तो बहुत हुए हुए हैं रामपुर में, जैसे कम से कम 1 लाख पत्थर लगे हुए हैं, और जो भी सरकार आई है सब ने उद्घाटन किए ही है। लेकिन सर जो इस टाइम प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे कोई भी पब्लिक में जो है खुशी नहीं है। आपके आसपास तो बड़ा कमाल हो रहा है, देखो मुरादाबाद में क्या नाम था उसका, एस टी हसन डॉक्टर हसन को हटा दिया और रुचि वीरा ला दिया। जी जी सर, ये गलत करा। आपके यहाँ एक असीम राजा ने भी नामांकन कर दिया समाजवादी के टिकट पे, एक दिल्ली से मौलाना भी आ गए। हाँ सर, यही तो बात है, जब तो पब्लिक ना खुश है कि हो क्या रहा है यही समझ में नहीं आ पा रहा है सर। लोगों की जो प्रतिक्रिया वो सर नोटा पे वोट डालने की ज्यादा है, मतलब ये हो गया समझ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि कौन प्रत्याशी बेहतर है। मतलब अखिलेश समझ में नहीं आ रहे, अखिलेश जी ने कर ही गया है सर, वो ही समझ में नहीं आ पा रहा है। या तो आसिम राजा को खड़ा करते, या फिर जो इमाम साहब आए हैं हिबीबुल्ला साहब उनको ही खड़ा करते, कोई एक होना चाहिए था ना सर। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे रामपुर में बरसों तक समाजवादियों की साइकिल बेधड़क चली। 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की जयाप्रदा जीती। 2014 की मोदी लहर में डॉक्टर नेपाल सिंह चुनाव जीते। 2019 में समाजवादी पार्टी के आजम खान ने वापसी की, मगर आजम जब अयोग्य घोषित हुए तो 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत की केसरिया पताका फहराई। इस बार लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आवास विकास कॉलोनी पहुंची। माहौल चल रहा है रामपुर का? माहौल बहुत बढ़िया है, खुशनुमा माहौल है, सब लोग मिलकर के भाईचारा के साथ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लोग तो कहते हैं कि इतना ही भाईचारा था तो आजम खान साहब को जेल क्यों भिजवा? वो परिस्थितियाँ क्या रही हैं, उनके साथ जो परिस्थितियाँ रही हैं उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। सहानुभूति होती है, उन्होंने अपने काम किए, निजी उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाते तो सहानुभूति जरूर होती। माननीय अखिलेश यादव जी की बस सब हवा में तीर मार रहे हैं, काम किसी ने नहीं किया है, सच पूछिए तो। मतलब किसने काम नहीं किया? काम तो आपको पता ही है मोदी जी। मुझे पता होता तो इतनी गर्मी में मैं दिल्ली से चल के यहाँ क्यों आता? मोदी जी का ही काम हुआ है यहाँ पे, जो भी हुआ है जी का काम। जी जी जी, अब जनता जागरूक हो गई है, धर्म के नाम पे ना जात के नाम पे कहीं नहीं बटेगी जनता। आजम खान का फैक्टर काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा मेरी समझ से। कौन सा फैक्टर काम करेगा? ऐसा फैक्टर काम करेगा जो देश हित में हो, जो देश के विकास के लिए काम करे,
जो विकसित भारत के लिए काम करे, एकता के लिए, अखंडता के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए जो काम करेगा। तो राहुल गांधी का ही नाम है, वही मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं? नहीं नहीं, देखो यहाँ पप्पू भाइयों से काम चलेगा ही नहीं, यहाँ तो प्योर भारतीय आदमी होना चाहिए, जो जिसकी सोच भारतवासी हो। के लिए मुद्दा विकास होगा? हमारा विकास मुद्दा है। रामपुर में तो कहते हैं कि एक मुद्दा होता है आजम खान जी, आजम खान भी मुद्दा होंगे? वो सब साइड में होगा, कहाँ है आजम खान, सब साइड होगा वो तो। सारी जनता ये देख रही है विकास कहाँ है। देखिए उज्ज्वल योजना, धन योजना, और सबसे मेन चीज़ है कि वही सुरक्षा, महिला सुरक्षा, 3 तलाक और 370। और अब ये जो हमारे सीए आए, विपक्ष वाले बैगला रहे इनको। आरिफ शाह खान को अखिलेश पसंद नहीं आ रहे, आजम जैसे आज हवा में तीर मार। अरे मुसलमानों की पूरी ठेकेदारी है, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, किसी ये एक मैदान में 3 तलवारें खड़ी हुई है, देख लिए ना आप। जहाँ गुड़ ज्यादा है वहाँ मक्खी ज्यादा है, ये क्या है, ये उनकी पार्टी का अनुशासन नहीं ना। एक की जगह 3-3 मौजूद है कि जी मैं भी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एकता ही नहीं है पार्टी में उनकी, एकता होती तो ये हाल थोड़ी होता। ये कह रहे हैं कि धर्म मजहब नहीं चलेगा, आपको लगता है? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ आज तक मजहब खुलकर साथ देता रहा राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन मोदी जी का संकल्प रहा दो काम, एक तो सबसे ज्यादा महिलाएं जो देंगी इस बार, मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मामले में हमें 5-10% एक्स्ट्रा वोट मिलेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकसित मुद्दे पे काम कर रही है और विकास की बात करती है, आगे बढ़ रही है। और ये बताइए अखिलेश कैसे चल रहे हैं? अखिलेश जी को तो ज्यादा पता होगा आजम खान को, आप रामपुर में अखिलेश जी उतना ही चलेंगे जितना आजम साहब कहेंगे। पहला मुद्दा विकास का ही है, जो मोदी जी ने योजना दी है, महिलाओं को सुरक्षा दी, रात में महिलाएं 8 बजे जा सकती हैं, ये निकल के पहले खुद भय मुक्त है। और पहले ये क्या होता था, महिलाएं 6 बजे से अपने आपको डर लगता है, स्कूल तक नहीं आ सकती बहन बेटियाँ, और आज कल सुरक्षा है इनको। हमने विकास को मुद्दा माना है, विकास है। ये बताइए यहाँ 60% मुसलमान है, कितने परसेंट देंगे विकास के नाम? विकास के नाम पे टोटल वोट पड़ेगा, टोटल ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप देखना, अब तो मथुरा काशी भी मांग रहे हैं, बिल्कुल पड़ेगा मथुरा काशी भी। तो जनता पार्टी की सीट निकलेगी यहाँ से। अखिलेश जी एक ऐसी टूटी फूटी जगह बैठे हैं, वो तो अपने पिताजी के विरासत पे बैठे हैं ना, आप कह रहे टूटी फूटी। हाँ हम बताएं विरासत, उनके पिताजी ने जो काम चालू किया था कांग्रेस हट के, पहले वो कांग्रेस में थे उनके पिताजी, बाद में मुलायम सिंह जी एक टीचर थे, बढ़ते बढ़ते धन साम्राज्य में शिवपाल ने मिलकर सारे रह के लिए आज वो अरबपति बन गए। उसके बाद वो पार्टी बनाई जिसका नाम मुसलमानों का साथ लेके पूरी यूपी में राज किया, लेकिन आज का जो मुसलमान है वो 20 साल पहले का मुसलमान नहीं है। ये बताइए जो अखिलेश, राहुल और तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस बार एक साथ होकर लड़ रही हैं, क्या होगा इस बार? कहाँ पहले भी लड़े थे, पहले तोड़े थे, क्या हुआ उनका? पहले साइकिल पंचर हो गई थी, और मतलब जो पहले ही था वो अभी हो रहा होगा, ये फिर मुर्गी खाएंगे। मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी भी कई स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, शुक्रिया मोदी भाईजान से लेकर छोटे छोटे स्तर पर मीटिंग जारी। लेकिन सीएसडीएस के मुताबिक 2014 की तुलना में 2019 में बीजेपी को 2% कम मुस्लिम वोट मिला था, लेकिन मोदी विरोधी पार्टियां जिस तरह टुकड़ों में बटी हुई हैं, उससे उलझन बढ़ी हुई दिख रही है। तो हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी, अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।